निराला का पूरा जीवन संघर्ष, दुखों और वेदनाओं की एक लंबी यात्रा रही है। बचपन में माता की मृत्यु, जवानी में पत्नी की मृत्यु, असमय में पिता की मृत्यु और फिर परिवार में एक एक कर कई प्रियजनों की मृत्यु। दुखों के इतने असह्य बोझ को सहते हुए भी निराला हताश नहीं हुए। अपने साहित्यिक जीवन में अपने आलोचकों की मार खा खा कर इतने अंतर्मुखी हो गए कि उन्होंने समाज से प्रतिशोध न लेकर अपने आप से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया और प्रतिशोध लेते लेते वो टूट गए, लेकिन झुके नहीं। जैसा कि जोश मलिहावादी ने कहा है, राह खुददारी से बरके भी भटक सकते नहीं, टूट तो सकते हैं हम लेकिन लचक सकते नहीं। निराला इसके जीवंत उदाहरण थे। भगवान शिव की तरह उन्होंने अर्थ की असमर्थ व्यवस्था का विश्वास किया। उनकी प्राणों से भी अधिक पुत्री सरोज, जिसके विवाह में वो स्वयं पुरोहित बने थे, पैसे के अभाव में उचित इलाज न हो पाने के कारण असमय में ही चल बसी। निराला के लिए यह अत्यंत ही मर्मांतक आघात था। उनकी वेदना उनके ही शब्दों में फूट पड़ी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला के अंतिम दिनों में उनके आलोचकों ने इन्हें विक्षिप्त कहना शुरू कर दिया था, जबकि उन दिनों भी इनका व्यवहार असामान्य तो था परंतु विक्षिप्तता नहीं थी। साहित्य सृजन तब भी चलता रहा। उन्हें अपनी मृत्यु का शायद पूर्वाभास हो गया था। उन्हीं दिनों असह्य शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से गुजरते हुए निराला जी की लेखनी से फूटा होगा। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे यथे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, वेदना को रोकने को, वेदना को रोकने को।
चोट खा कर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे अथे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो आ रहा है, काल देखो काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को, सींचने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो, गीत गाने दो मुझे तो, गीत गाने दो मुझे निराला का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही हिमालय के उन्नत शिखरों की तरह अपराजेय हैं। निराला अपने साहित्य में स्वयं तीर्थराज थे, जिसमें कविता की गंगा, कथा साहित्य की यमुना और निबंध की सरस्वती का अद्भुत संगम है। निराला के व्यक्तित्व में कबीर का फक्कड़पन भी था और तुलसी की तरह भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग भी। उनके जीवन काल में समाज ने कबीर की तरह
उन्हें दुत्कारा, फटकारा, विरोध किया, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात अपनी गलतियों पर पश्चाताप किया, इन पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। ऐसे निराले व्यक्तित्व महाप्राण अमृत पुत्र साहित्यकार को हमारा शत शत प्रणाम।